है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जितना मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था, आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है, हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे इसलिए अलग हो गया। इंडिया में जाने की तैयारी है? अरे इंडिया में जाने की तैयारी है सर, 23 तारीख की बैठक होगी आपको? अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? देखिए, आप एक 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 बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या? आपका केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में है तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं, और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, दिल्ली तक गई थी, वहाँ पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिलिए, तो गृह मंत्री से उन्हीं के उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का, हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथ ही आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा, हम मिलने राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय, हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में, अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते? तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है, उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं, और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है, कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपको बता रहा था, आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा, हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे, आप बताइए। देखिए, हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है, हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके, अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है, कोई एक दिन का ऐसा बचवाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गए और रिजाइन करके चला है, तो सोची समझी बात है, और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था, बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई, हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।